गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 6 फरवरी, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है। वैसे तो रोज़ सुबह उठना ही जन्मदिन है। रोज़ मैं अपने आप के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, पर 6 फरवरी को मैं आप सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। वो आप लोगों को एक छोटा सा सूत्र देकर एक छोटी सी बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि गिफ्ट देना, वो गिफ्ट प्यार से स्वीकार करना भी एक प्यार का लेन देन है। इस प्यार को आप समझें। इसमें एक ऐसा सूत्र देने जा रहा हूँ जिससे कि आपको एंगर भी कम होगी, एंग्जाइटी भी कम होगी और आपकी लाइफ जो है स्मूथ चलेगी। मित्रों, ये डिज़ायर जो आपकी इच्छाएँ हैं वो लीड्स टू एंगर और एंगर लीड्स टू ग्रीड। होता क्या है, आप लोगों को मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आप देखिए, मछली जो है कांटे में क्यों फंसती है, क्योंकि उसको टेस्ट का सेंसेशन है, सिर्फ टेस्ट का सेंसेशन है। उस खाने की लालच में आके वो कांटे में फंस जाती है और मर जाती है। हिरण शिकारी के कब्जे में क्यों आता है, क्योंकि उसको साउंड की सेंसेशन है, सिर्फ साउंड की सेंसेशन है। शिकारी साउंड बजाता है और उसको जो है पकड़ लेता है और वो मर जाता है। हाथी को टच की सेंसेशन है, सिर्फ टच की, तो शिकारी उसको फीमेल टच दिखा के गिरफ्तार कर लेता है, पकड़ लेता है। तो ये भौरा को खुशबू सुगंध की सेंसेशन है, सिर्फ सुगंध की, वो फूल की खुशबू की लालच में फूल के अंदर जाता है, फूल बंद हो जाता है और वो मर जाता है। ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स गिनाए, इनको एक या दो सेंसेशंस प्राप्त हैं। पर मित्रों, हम सबके पास एक नहीं, दो नहीं, पांच सेंसेस हैं। एक सुनने का, एक देखने का, एक सूंघने का और एक टच सेंसेशन। 5 सेंसेस हैं। एक सेंस होने पर भी कैसे जीव आत्माएं शिकारी के पंजे में फंस जाती हैं और मर जाती हैं। हमको तो इन सब 5 पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यही सेंसेस इच्छा शक्ति को, डिज़ायर को बढ़ाते हैं। अगर डिज़ायर पूरी हो जाती है तो लालच बढ़ जाती है, और अगर पूरी नहीं होती तो मनुष्य की गुस्सा आने लग जाता है। दोनों ही चीज़ों में अपने को नुकसान है। ज़रूरत है इस डिज़ायर यानी कि इच्छा पे नियंत्रण करने की। 80% तो नियंत्रण आँखों से हो सकता है, 15% कानों से हो सकता है और बाकी 5% बाकी सेंसेस से हो सकता है। कहना आसान है पर करना मुश्किल है। पर आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र दूंगा जिससे कि आप आसानी से प्रैक्टिस, सही प्रैक्टिस करने से इस लालच पे, इस डिज़ायर पे नियंत्रण कर सकेंगे। दोस्तों, एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। माँ बाप अपने बच्चे को गले लगाते हैं, चूमते हैं, निलाते हैं, धुलाते हैं, उसकी पोटी साफ करते हैं और बहुत खुश होते हैं। उन्हीं माँ बाप को अगर बोल दिया जाए कि पड़ोसी के बच्चे के लिए भी क्या उसको सूंघेंगे, क्या उसको गले लगाएंगे, क्या उसको निलाएंगे इतने ही प्यार से, तो नहीं कर पाएंगे। कारण, क्योंकि वो अपने बच्चे से अटैच्ड है और दूसरों के बच्चों से वो डिटैच्ड है। करना यही है मित्रों, अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कन्वर्ट करना है। हो है, संभव है, सही प्रैक्टिस से संभव है। अगर आप अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कन्वर्ट कर पाए तो आप समझ लेना कि आपकी डिजायर पूरी तो होंगी
सब काम आपके वैसे ही चलेंगे, पर ना तो आप उनके पूरे होने पर लालच में जाएंगे और ना पूरे होने पर गुस्सा करेंगे। आज का सूत्र बहुत ही गंभीर है, उसको कई बार सुनने की जरूरत है। दोस्तों, ये कैसे संभव है, कैसे आसान बन पाएगा, ये मैं आपको अपनी 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन बताऊंगा। धन्यवाद।